आज का वीडियो बहुत खास है, पूरा देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आपकी अपनी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपको आशीर्वाद देती हूं कि परमात्मा आपके जीवन में हमेशा खुशियों के मौके देते रहे, आपका कोई कुछ ना बिगाड़ सके, आपकी परमात्मा हमेशा रक्षा करे, आपके घर में खुशियों का माहौल हमेशा विद्यमान रहे, आपके घर के लोग तरक्की करें, उन्नति करें और घर का नाम रोशन करें। यही मैं सुबह सुबह आशीर्वाद भर भर कर आपको दे रही हूँ और परमात्मा से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन सब की बहुत ही रक्षा करे परमात्मा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत खास है। सेना के जो जवान जब शहीद होते हैं, उससे बढ़कर दुखद समय कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। और उस समय आत्मा पूरी हिल जाती है, पूरे हिल जाते हैं हम ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आज इसी चीज़ ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं आज एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो सैनिक और सैनिकों के जो परिवार हैं, जो सेना से जुड़े हुए हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो सीमाओं पर डटे हुए हैं, उनकी आयु को हम कैसे बढ़ाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनकी कुंडली को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनकी कुंडली के द्वारा बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन उनकी कुंडली नहीं है तो कुछ सामान्य उपाय मैं बताने जा रही हूँ जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और आप अपने उनके नाम के हिसाब से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं सेपरेटली नाम के हिसाब से भी वीडियो बनाऊँगी, पर यह सामान्य वीडियो है और इसमें कुछ खास बातें आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो सौभाग्य का होता है कि स्त्री को कितना सुहाग मिलेगा। तो जो लोग आर्मी में हैं, उनके सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उनकी शादी ऐसी लड़की से की जाए जिसकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग हो, जिसकी कुंडली में पति की दीर्घायु का योग हो और जिसके सुहागन जाने का योग हो। ऐसी लड़की से सेना से जुड़े हुए लोगों की शादी करोगे तो निश्चित रूप से उनकी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि पत्नी के भाग्य से उनको लंबा जीवन मिलेगा। जिस लड़की की कुंडली में वैधव्य योग हो, जहाँ तक हो इसको टालें आप, इसको प्लीज़ माइंड मत करना आप। और जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो सैनिकों की किसी कारण सैनिक लोग जो नहीं रहते हैं और उनकी पत्नियाँ हैं, वो तो अखंड सौभाग्यवती हैं, वो तो सदा सुहागन है और मैं उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन जिनका विवाह अब तय करने जा रहे हैं, जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है, उनके लिए ऐसी कन्या तलाशें जो कि अखंड सौभाग्यवती योग हो, जिसका सुहागन दुनिया से जाने का योग हो, तो पति उसके भाग्य से जीवित रहेगा, लंबी उम्र पाएगा। इसके अलावा माता पिता अपनी कुंडली का जो पंचम भाव है, जो कि संतान भाव को रिप्रेजेंट करता है, उसके रत्न धारण करें और उसका उपाय करें। इसके अलावा जो सेना में जो जवान हैं, उनकी माताएं संतान की रक्षा के लिए बहुत सारे व्रत होते हैं, वो अवश्य ही किया करें। ऐसा करने से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो भी सैनिक हैं, जो भी सेना में जवान हैं, उनके जन्मदिन पर या समय समय पर महामृत्युंजय जप उनके नाम से जरूर होने चाहिए। ऐसा करने से भी उनकी आयु लंबी होती है। जो रंग उनके लिए शुभ हैं, वो उस रंग के कपड़े या उस रंग का रुमाल उनके पास में होना चाहिए। वो रत्न या कोई माला भी धारण कर सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लैक टर्मोलिन होता है, वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, तो वो भी उनको अपने पास में रखने चाहिए। इसके अलावा घर के जो पितर हैं, कुल देवता हैं, इनकी भी पूजा समय समय पर करनी चाहिए। वैसे तो किसी की ज़िंदगी में अगर अल्पायु योगी है तो उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन फिर भी कुंडली को चेक करा के अगर अल्पायु योग है तो उसके हिसाब से भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आयु में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए आप किसी भी ज्योतिषी से संपर्क करें, और यहाँ पर आप चाहें तो किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। और कुल मिला के उन जो शहीद होते हैं जवान, उनके परिवार वाले पहले से ही घर में अच्छा वास्तु रखें, जिससे कि जो संतान की अकाल मृत्यु का कोई योग बन रहा है तो वो योग भी टल जाएगा। क्योंकि कई घरों में जब मकान गलत तरीके से बने हुए होते हैं तो उसमें कुछ इस तरह के योग निर्मित होते हैं। मकान का जो ईशान कोण है वो हल्का रखना चाहिए, वहाँ पर खाली जगह रखें, पानी का स्थान रखें वहाँ पर गंदगी ना रखें। वहाँ पर आप छोटे बच्चों का कमरा या पूजा स्थल या बुजुर्गों जो कि सिंगल पर्सन है उनका कमरा बना सकते हैं। जो जवान होते हैं, सेना में काम करते हैं, उनको जहाँ तक हो साउथ वेस्ट का कमरा आप दीजिए या साउथ का कमरा दीजिए। भूल कर भी उनका कमरा उत्तर में या उत्तर पूरब में नहीं होना चाहिए, उत्तर पश्चिम में हो सकता है, क्योंकि वो कम समय के लिए घर पर रहते हैं और उत्तर पश्चिम वाला जो कमरा होता है वो उन लोगों के लिए सही है जो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। लेकिन भूल कर भी उनका जो कमरा है वो ईशान दिशा में नहीं होना चाहिए। ईशान दिशा में कमरा होने से पति पत्नी में से एक ही जीवित रहता है, ये चीज़ समझ लीजिए, स्पष्ट बोल रही हूँ। तो ईशान दिशा मतलब जो उत्तर और पूरब की दिशा है, वहाँ पर जो आर्मी में, सेना में, पुलिस में जो लोग कार्य करते हैं, कुल मिला के जो लोग खतरों से खेलते हैं, जिनके जीवन में हमेशा खतरा बना रहता है, उन लोगों को उस कमरे में भूल कर भी नहीं सुलाना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके घर में
दीर्घायु पाएंगे सभी सदस्य। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी सेना के जवान हैं, जो भी सेना में कार्यरत लोग होते हैं, उनके लिए पूरे देशवासियों को ऐसा यज्ञ करना चाहिए, उनको रेकी भेजनी चाहिए, उनको अपना आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे कि वो लंबी उम्र को प्राप्त कर सकें, क्योंकि देश की अनमोल धरोहर होते हैं देश के सैनिक। और मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको शत शत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।